हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम किस चीज़ का? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का एलसीएम कभी भी अगर आपको लेना हो तो जो न्यूमिनेटर होता है उसका तो लेना होता है एलसीएम, और नीचे लेना होता है एससीएफ। ठीक है, तो पूरी फ्रैक्शन का, पूरे सभी नंबरों का वो आप क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, इनको एक प्रॉपर वे में हमने लिख लिया, ठीक है, सोल्व करके लिखा इसको प्रॉपर वे में, तो ऊपर वाले नंबरों का तो एलसीएम और नीचे वाले नंबरों का एससीएफ, तो ये पूरी फ्रैक्शन का, पूरे सभी नंबरों का एलसीएम आ जाता है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर दे रखा है 8, 16/20 and 10/7, ये नंबर दे रखा है। तो एलसीएम लेना है, तो ऊपर वालों का तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वालों का एलसीएम देखिए क्या बनेगा, ऊपर वालों का एलसीएम 8, 16 और 10, इसका एलसीएम देखिए क्या बनेगा। तो 2 से अगर हम करते हैं तो ये बना 4, ये बना 8, ये बना 5, फिर 4 से करते हैं 1, 2 और 5। अब आगे कट नहीं हो रहा, तो 5, 10, 80 तो बना एलसीएम ऊपर से, और नीचे वाले का एससीएफ 1, 20 और 7 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं जा रहे तो 1। तो अपना जो आंसर है वो कितना आंसर आ गया, 80 आंसर आ गया, 80 जो है एलसीएम आ गया। ठीक है, न्यूमिनेटर का तो आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर का तो आपको क्या लेना है एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या लेना है एससीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 6/8, 5/2 and 15/16। एलसीएम कर रहे हैं तो ऊपर वालों का तो क्या करना है एलसीएम, तो 6, 5, 15, ये जो डिवाइड जा रहे हैं अगर 5 से करते हैं तो 6, 1, 3, फिर 3 से करते हैं तो 2, 1 और ये 1, तो ये बना 30 एलसीएम न्यूमिनेटर का। और डिनोमिनेटर का अगर एससीएफ लेते हैं तो 2, सबसे छोटा फैक्टर जो है इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या है 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 15 आ गया एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा बना क्या 78, और 78 में अगर आपने ऐड किया तो 115/78, 130, 184/65 और 195, 230 और 39। तो इनका हमको लेना है एलसीएम, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम और नीचे वालों का एससीएफ। तो नीचे वाला तो कॉमन फैक्टर जो ऐसा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो तो है 13 तीनों को डिवाइड करो, उससे बड़ा नंबर तो डिवाइड नहीं करेगा। अब ऊपर वालों का लेना है एलसीएम, तो 115, 184, 230। तो एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा है वो है 23, ये बना 5, ये बना 10, और इसकी अगर हम बात करें ये बना 8। फिर डिवाइड करते हैं 5 से 1, 8, 2, फिर करते हैं 2 से 1, 4, 1। तो अब देखिए भी कितना बना 10, 230 multiply 4 920 बना ना, हाँ जी 920 बना, 920। तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एससीएफ। ठीक है, तो ये आपका पूरी फ्रैक्शन का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमने ये सभी क्वेश्चन देखे प्रॉपर वे से, एलसीएम निकालना था एक फ्रैक्शन का, और हमने देखा कि न्यूमिनेटर का करना एलसीएम और नीचे एससीएफ। ठीक है, ध्यान रखना एक इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान था इसके अंदर, ये ध्यान रखना था कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के अंदर अपने को क्या करना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।